तो आइए दोस्तों एलसीएम निकालने के आसान तरीके के तरीकों का आज देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एलसीएम निकालने के एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए कोई भी संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने लिया 15, 15, 20 और यहाँ मान लेते हैं 25। हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं तो पहले तो हम देख रहे हैं कि ये 5 से लेगा, 5, 6, 15, 5, 4, 20, 5, 5, 25। फिर अभी किसी से लगेगा नहीं लगेगा तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या लिखते हैं, 5 × 3 × 4 × 5। तो अगर इसको हमको गुना करें तो 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60 और 60 × 5 = 300। इसका एलसीएम क्या हो गया, 300, ठीक। अब इसको शॉर्ट मेथड में कैसे बनाया जाए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या को टारगेट करेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक या अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, 2 से। क्या 2 से इसमें कोई कटने वाला है, जी बिल्कुल कटने वाला है 2 से। तो 2 से कट रहा है तो 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर कीजिए 4। क्या 4 से कोई कटने वाला है, जी बिल्कुल कटने वाला है। फिर 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 से कोई कटने वाला नहीं। तो मिनिमम क्या आया था, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो हम लेंगे यहाँ 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 के बाद आता है 3, 3 आता है। क्या 3 से कोई भी कट रहा है, ये कट रहा है। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 से कोई कटने वाला है इसमें नहीं है, तो लास्ट क्या आया था, 3 लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 के बाद आता है 5, तो 5 से कट रहा है, तो 5 से तो 3 कट रहा है। फिर 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 25 से ये वो कट रहा है, मतलब कोई भी एक कटना चाहिए तो 25 लेंगे। तो इस तरह से आप गुना कीजिए, 25 × 100 और 100 × 3 300, ठीक है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, आप जैसे मान लीजिए हम कोई और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने कोई संख्या लिया, मान लेते हैं कि यहाँ हमने लिया 12, 15, 30 और यहाँ पे हमने ले लिया 45। चलिए इसका एलसीएम निकाल कर, तो सबसे पहले 2, अभाज्य संख्या 2, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 4 से ही कट रहा है। फिर 2 का क्यूब कीजिए 8, क्या 8 से कोई कट रहा है, नहीं, तो 2 का स्क्वायर लिए थे तो 4 लिखेंगे गुने। फिर उसके बाद आते हैं 3, 3, 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ये 3 भी, ये सब 3 से कट रहा है, और 3 का स्क्वायर कीजिए 9, क्या 9 से कोई कट रहा है, ये कट रहा है बिल्कुल। फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 27 से कोई कटने वाला है नहीं, तो मैक्सिमम क्या लिए थे हम, 9। फिर आते हैं 5, 5 लेते हैं तो 5 से कट रहा है, 5 से 3 कट रहा है, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 25 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो लास्ट हम लिए 5। उसके बाद और कोई आवाज संख्या 7, 7 से कोई नहीं कटा, 7 के बाद आता है 11, 11 से भी नहीं कटा, 13 से भी नहीं कट रहा है, तो हमारा जो एलसीएम होगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 20 और 20 × 180। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का एलसीएम 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। बस करना क्या है कि अभाज्य संख्या को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।